हेलो हे गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है ये है डिज़ाइन वेंडिंग मशीन, और यू कैन से दैट लो लेवल डिज़ाइन ऑफ वेंडिंग मशीन। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भी पता होगा कि कितनी बार ये इंटरव्यू में पूछा गया है, अगर आपने LLD के इंटरव्यूज दिए हैं। तो चलिए अब अपन इसको, मैं आपको पूरा इन डिटेल बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आए और इससे रिलेटेड किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न कवर करूँगा, और उस डिज़ाइन पैटर्न पे एक पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे वेंडिंग मशीन इज़ वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसा आए तो ये भी इसी डिज़ाइन पैटर्न का क्वेश्चन है, और किस तरीके के अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये वाला डिज़ाइन पैटर्न लगेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अब विदाउट टाइम वेस्टेज स्टार्ट करते हैं हमारा LLD ऑफ वेंडिंग मशीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो समझने की है कि वेंडिंग मशीन जब भी आपको इंटरव्यू देगा तो इंटरव्यूअर आपको यही देगा कि जस्ट डिज़ाइन वेंडिंग मशीन, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले आपका काम है कि आपको वेंडिंग मशीन की फंक्शनैलिटी क्लैरिफाई करनी है इंटरव्यूअर के साथ, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में जो वेंडिंग मशीन जिस तरीके से वर्क करती है वो डिफर हो कि जो इंटरव्यूअर के माइंड में हो, राइट? तो सबसे पहले है कि हमें इंटरव्यूअर और आपको और मुझे एक पेज पे आना पड़ेगा कि हाँ वेंडिंग मशीन इस तरीके से काम कर रही है, ये हमारा एजम्पशन है। तो यहाँ पे मैंने मोस्ट कॉमन वेंडिंग मशीन ली है कि जो मोस्ट कॉमनली यूज, अगर आपने भी यूज़ की है तो ये हैज़ ऑल द फीचर्स, राइट? तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक वेंडिंग मशीन में मैंने क्या क्या फीचर डाले हैं कि एक ट्रे है, यहाँ पे आप बोल लीजिए कि एक रोस है जिसमें प्रोडक्ट्स रखे हैं, और हर एक प्रोडक्ट का एक कोड है और प्राइस है। ठीक है, तो क्या कोड है, क्या प्राइस है, क्या कोड है, क्या प्राइस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोक हो सकती है, जैसे पेप्सी हो गई, सोडा हो गया, वाटर बॉटल हो गए, जूसेस हो गए, तो कोई भी चीज़ कहीं पे भी रह सकती है। किसी किसी वेंडिंग मशीन में लाइक पहली रो पे सारी कोक होगी, दूसरी पे सारी पेप्सी होगी, बट दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द वेंडिंग मशीन। कहीं कहीं पे क्या होता है कि कोक पेप्सी सब मिक्सअप होता है, सो दैट्स वेयर दे हैव गिवन द कोड। हर एक ये एक आइटम की आप बोल लीजिए शेल्फ है, दिस इज नोन एज आइटम शेल्फ। ठीक है, तो हर एक शेल्फ का एक कोड नंबर है, ठीक है, और उस वो क्या प्राइस की है, ठीक है, क्या प्राइस है उसका। ठीक है, और फिर एक यहाँ पे आएगा इंसर्ट कॉइन, इंसर्ट कैश हेयर। ठीक है, तो आप इंटरव्यूअर से कंफर्म कर सकते हो कि कैश मतलब हम वेंडिंग मशीन में बोल रहे हैं कॉइन, तो हम यहाँ पे कॉइन डालेंगे। ठीक है, तो मोस्टली वेंडिंग मशीन का जब भी क्वेश्चन आता है तो वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ कॉइन, कॉइन डालो, राइट? तो यहाँ पे हम कॉइन डालेंगे, तो सबसे पहले, और ये यहाँ पे एक है इंसर्ट कैश बटन, तो जैसे ही आप इंसर्ट कैश बटन का प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट करने लग जाएगा कॉइन को। फिर सेकंड है सेलेक्ट प्रोडक्ट बटन, मतलब अब आपको यहाँ से प्रोडक्ट नंबर डालना है कि आपके ओके 102 इज़ द प्रोडक्ट विच यू वांटेड, ठीक है, और या 106, जो भी प्रोडक्ट आपको डालना है इस बटन दबाने के बाद आप प्रोडक्ट डालिए। और फिर क्या होगा कि अगर आपने अगर पैसे ज़्यादा डाले हैं तो ये आपको यहाँ पे चेंज कर देगा इधर इस वाली ट्रे से, ठीक है, और अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो आप कैंसिल बटन दबा दो, ये कैंसिल बटन है तो आपका रिफ़ंड आ जाएगा अगेन इस ट्रे में, नहीं तो अगर सब सही चला तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वेरी कॉमन वेंडिंग मशीन है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा कि किस तरीके से वेंडिंग मशीन काम करती है, घबराइए मत, मैं एक बार अब इसका फ्लो बताता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार इसका देखते हैं फ्लो। वेंडिंग मशीन ये वाली जो अपन ने ली है ये किस तरीके से काम कर रही है, एक हैप्पी फ्लो, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ हैप्पी फ्लो कि मतलब सब कुछ सही सही चल रहा है। तो सबसे पहले मेरी वेंडिंग मशीन क्या है, आइडल है। ठीक है, मान के चलिए सबसे पहले मेरी वेंडिंग मशीन आइडल है, कोई भी इसको टच नहीं कर रहा है, तो कुछ भी इसमें फंक्शन अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर यूज़र आया, यूज़र ने सबसे पहले कौन सा बटन दबाया, मान के चलिए यूज़र ने सबसे पहले बटन दबाया इंसर्ट, पहले मान के चलिए इंसर्ट कैश बटन से पहले यूज़र ने मन में सोच लिया कि आप वो स्क्रीन तो देख ही रहा है, शेल्फ तो देख ही रहा है, एंड यूज़र रिक्वायरमेंट इज़ आई वॉन्ट सोडा। ठीक है, मुझे सोडा चाहिए। ठीक है, तो उसने ओके ही डिसाइडेड, उसने सोच लिया कि हाँ भाई मुझे सोडा चाहिए और इसका कोड ये है 106 है, ही हैज सीन इट, तो अब उसको प्रोसेस स्टार्ट करना है।
ठीक है, तो वेंडिंग मशीन अभी आइडल में है, तो यूजर सबसे पहले क्या बटन दबाएगा, तो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, इंसर्ट कैश बटन। तो यूजर ने कौन सा बटन दबाया, इंसर्ट, यहां पे यूजर ने कौन सा बटन दबाया, प्रेस इंसर्ट कैश बटन। जैसे ही यूजर ने यह बटन दबाया, मशीन कौन से स्टेट में आ गई, मशीन स्टार्ट एक्सेप्टिंग द कॉइन्स और कैश, जो भी बोल लीजिए, मशीन अब कैश एक्सेप्ट करने लग गई। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि मशीन की एक स्टेट चेंज हो गई है, मशीन की अब स्टेट क्या हो गई, हैज मनी स्टेट, आई एम सेइंग दिस हैश मनी स्टेट, ये था आइडल स्टेट, ठीक है। अब हैश मनी स्टेट, अब इस वाले स्टेट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, इस वाले स्टेट के अंदर यूजर कॉइन डाल सकता है, एक कॉइन डाला फिर दूसरा कॉइन डाला, ठीक है, तो मल्टीपल कॉइन्स यूजर कैन इंसर्ट। तो यहां पे यूजर कैन इंसर्ट कॉइन्स, और वो जब तक इंसर्ट कॉइन करता रह रहा है तब भी वो सेम स्टेट में हैज मनी स्टेट में ही है, कोई उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद यहां पे यूजर एक और बटन दबा सकता है, इसके बाद तो ये हो गया सेकेंड, उसके बाद यूजर बोलेगा कि मैंने तो अमाउंट डाल दिया, मुझे पता है कि मुझे सोडा लेना है 10 रुपये का है, तो मैंने कॉइन्स डाल दिए सारे। अब नाउ सेलेक्ट, मुझे सेलेक्ट करना है कि भाई मुझे इसका कोड डालना है कि यहाँ पे 106, ये कोड भी तो डालना है ना, राइट। तो उसके लिए मेरे को करने के लिए कि अब मैं कैश ऑन नहीं डाल रहा हूँ, अब मुझे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, तो यूजर विल क्लिक ऑन सेलेक्ट प्रोडक्ट बटन। जैसे ही इस बटन पे करेगा, ठीक है, तो अब मेरी वेंडिंग मशीन कौन से स्टेट में आ गई, वेंडिंग मेरे स्टेट में आ गई सेलेक्शन स्टेट, ठीक है। सेलेक्शन स्टेट में मतलब कि यूजर ने प्रेस प्रोडक्ट बटन दबा दिया, यूजर ने पैसे डाल दिए सारे, अब उसने बोल रहा है कि मुझे अब प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, इसने ये वाला बटन दबाया, अब ये वाला वर्क करने लग जाएगा। अब यहाँ पे बोलेंगे हम कि एंटर द कोड, तो अब यूजर को मान के चलिए उसने सोच लिया था कि मुझे 106 चाहिए, तो वो यहाँ पे 106 प्रेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यूजर इज चूजिंग द प्रोडक्ट, चूजिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। हो सकता है कि उसको 106 इनिशियली सोचा हो, लेकिन उसने बाद में सोच लिया कि नहीं नहीं मेरे को तो 107 चाहिए, तो वो अपने हिसाब से जो भी कोड है वो डाल सकता है, राइट, आफ्टर इंसर्टिंग द मनी। अब यहाँ पे जाके क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देखिए कि जब एक यूज केस है कि जब मैं मनी डाल रहा था, इंसर्ट कॉइन डाल रहा था, यहाँ पे यूजर इस टाइम पे भी कैंसिल बटन और रिफंड कर सकता है कि यार मैंने 10 रुपये डाल दिए लेकिन मुझे अब प्रोडक्ट लेना ही नहीं है, मुझे रिफंड चाहिए, तो वो यहाँ से वो कैंसिल बटन दबा सकता है, राइट। तो यहाँ से मैं रिफंड करके वापस आइडल में जा सकता हूँ, अगर मैं रिफंड यहाँ पे मैं कैंसिल कर दूँ और रिफंड कर दूँ तो मैं वापस आइडल स्टेट पे चले जाऊँगा, करेक्ट, क्योंकि मैंने हैज मनी स्टेट से या तो इंसर्ट कॉइन डाले 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 और फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे तो नहीं करना, मेरे को रिफंड चाहिए, तो मैंने कैंसिल बटन दबा दिया, ये वाला कैंसिल बटन दबा दिया और मेरे को रिफंड मिल गया सारा, और मैं वापस से मेरी मशीन कौन से स्टेट में चली गई, आइडल। सिमिलरली सेलेक्शन स्टेट में भी कि यहाँ पे मैंने पैसे डाल दिए और सेलेक्शन प्रोडक्ट बटन पे भी यहाँ पे बटन कोड डालने से पहले ही मेरा मन हो गया कि नहीं यार मुझे नहीं खरीदना, मुझे वापस चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं रिफंड या फिर कैंसल बटन दबा सकता हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है जब मेरे को रिफंड करना पड़े कि आपने मान के डाले थे कितने 7 कॉइन डाले थे, मतलब एक एक सेंट के 7 कॉइन, तो मान के चलिए आपने 7 रुपये डाले लेकिन आपने जो प्रोडक्ट डाला 106 कितने रुपये का है, 10 रुपीज़ का है, तो यहाँ पे तो आपने इनसफिशेंट फंड हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि आपने 10 रुपये की चीज़ है और खाली 7 रुपये डाले हैं, तो यहाँ पे हमें क्या होगा कैंसिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनसफिशेंट फंड, तो इस केस में भी मुझे सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा और आइडल स्टेट में चला जाऊंगा, ठीक है। तो मान के चलिए लेकिन अगर अब सब सही रहता है हैप्पी फ्लो में, तो हैप्पी फ्लो में क्या है कि सफिशिएंट मनी है,
तो मेरे नेक्स्ट स्टेट क्या है यहाँ पे, यहाँ पे मेरी नेक्स्ट स्टेट है डिस्पेंस द प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट को डिस्पेंस कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे करूँगा डिस्पेंस प्रोडक्ट, मैंने अपने प्रोडक्ट को डिस्पेंस कर दिया, ठीक है, और मतलब ये डिस्पेंस प्रोडक्ट स्टेट, यहाँ पे अभी स्टेट में आ गया, और ये वाली स्टेट क्या करेगा, ये वाली स्टेट एक्चुअल में प्रोडक्ट को डिस्पेंस करेगा और वापस आइडल स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिस्पेंस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, मैं इस स्टेट में आया, इस स्टेट में आने के बाद मैंने प्रोडक्ट को डिस्पेंस किया और वापस आइडल स्टेट में चला गया, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल फ्लो है, ठीक है, वेंडिंग मशीन का। तो आपको समझ आ गया वेंडिंग मशीन किस तरीके से काम करती है, कि यूज़र आया, उसने देखा आपके, ओके आई वांटेड जूस, ठीक है, आपने आपने देखा कि ओके 12 रुपीज़ का है, तो आपने उतने कॉइन्स डाले, ठीक है, पहले बटन दबाया कि मैं कॉइन्स डालना चाहता हूँ, ठीक है, बटन दबाने के बाद आपने कॉइन्स डाले, कॉइन्स डाल दिए, फिर आपने बोला कि हाँ मैंने कॉइन्स डाल चुका हूँ, अब मेरे को प्रोडक्ट सेलेक्ट करने दो, तो आपने बटन दबाया, अब इसके बाद आप पैड एक्टिवेट हो गया, आपने पैड में अपना कोड डाला 108, ठीक है, अगर सफिशेंट मनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आ जाएगा, अगर आपने एक्स्ट्रा पे किया है तो यहाँ पे चेंज मिल जाएगा, अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो आप कैंसिल दबा दो तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो ये नॉर्मल वेंडिंग मशीन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे ये हमने फ्लो डायग्राम बनाया, तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि स्टेट वाइज जो मेरी वेंडिंग मशीन है, जो मेरी वेंडिंग मशीन है उसकी स्टेट वाइज ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका क्या, स्टेट वाइज ऑपरेशन का क्या मतलब है, कि जब वेंडिंग आइडल में थी तो कुछ ऑपरेशन, तो जब वेंडिंग मेरी, वेंडिंग मशीन मेरी आइडल स्टेट में थी तो मैं ऑपरेशन क्या क्या कर सकता था, कि मैं खाली प्रेस बटन प्रेस कर सकता था, प्रेस बटन ये वाला ऑपरेशन कर सकता था मैं, प्रेस इंसर्ट कैश बटन ये कर सकता था, ठीक है, और कुछ कर सकता था नहीं कर सकता था, मैं बस खाली ये करता था। सेकंड स्टेट हैज़ मनी स्टेट, सो ये मेरी फर्स्ट स्टेट हो गई। सेकंड स्टेट क्या हैज़ मनी स्टेट, हैज़ मनी स्टेट में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंसर्ट कॉइन ऑपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है, इंसर्ट कॉइन कॉमा, ठीक है, यहाँ पे इसको सेपरेट कर देते हैं कि हाँ मिक्सअप ना हो, इंसर्ट कॉइन कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, मैं सेलेक्ट प्रोडक्ट बटन क्लिक कर सकता हूँ, कि सेलेक्ट प्रोडक्ट बटन क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं रिफंड भी कर सकता हूँ, कैंसिल बटन, कैंसिल और रिफंड बटन भी क्लिक कर सकता हूँ, और कुछ कर सकता हूँ क्या मैं जब मेरे पास मनी है, नहीं कर सकता, राइट, तो मैं प्रोडक्ट चूज नहीं कर सकता अभी क्योंकि मैं हैज मनी स्टेट में हूँ। तो अब मैं तीसरे स्टेट में आ गया, तो आप देखोगे कि हर एक स्टेट वाइज कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये नोटिस करने वाली है, कि ये मैंने क्या पैटर्न देखा कि हर एक स्टेट की, ये मेरा एक प्रोडक्ट है वेंडिंग मशीन, उसकी हर एक डिफरेंट स्टेट पे मैं एक डिफरेंट ऑपरेशन अलाउड है मेरे को। तो अब सेलेक्शन स्टेट में क्या है, आई कैन चूज द प्रोडक्ट, आई कैन चूज द प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट चूज कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कैंसिल कर सकता हूँ ऑपरेशन को, कैंसिल और रिफंड, ठीक है, लेकिन अभी डिस्पेंसिंग नहीं होगी। और लास्ट स्टेट क्या थी, डिस्पेंसिंग स्टेट, जहां पे ना तो रिफंड होगा ना प्रोडक्ट होगा, डिस्पेंसिंग के बाद तो बस खाली प्रोडक्ट डिस्पेंस ही होगा, ठीक है, यहां पे खाली बस प्रोडक्ट मेरा डिस्पेंस होगा, नथिंग एल्स, ठीक है। और सिलेक्शन स्टेज पे ही आप यहां पे बोल लीजिए कि चेंज भी रिटर्न करेंगे अपन, कि रिटर्न द चेंज, जो अगर एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो मेरे को वो देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी उसने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से, अगर उसने 50 रुपये दिए और 20 रुपये का ही प्रोडक्ट है तो मुझे 30 रुपीज़ रिफंड करना पड़ेगा उसको, ठीक है, और रिफंड मतलब फुल रिफंड, 50 दिया तो मुझे पूरा 50 रिटर्न करना है, राइट। तो और डिस्पेंसिंग में मैं खाली प्रोडक्ट डिस्पेंस कर सकता हूँ, ना चेंज मिलेगा ना रिफंड मिलेगा। तो अब आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, कि डिफरेंट स्टेट पे
डिफरेंट ऑपरेशन अलाउड है, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ पैटर्न आपको पता चले इंटरव्यू में कि इस एक प्रोडक्ट के स्टेट पे ओनली स्पेसिफिक ऑपरेशंस आर अलाउड, समझ जाना कि ये क्वेश्चन जो है ये है स्टेट डिजाइन पैटर्न का, ठीक है। अगर स्टेट वाइज ऑपरेशन है मेरे, स्टेट वाइज ऑपरेशन है तो समझ जाना ये क्वेश्चन है स्टेट डिजाइन पैटर्न का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, मान के चलिए आपको बोल सकते हैं डिजाइन टीवी, ठीक है। तो डिजाइन टीवी को बोलोगे तो टीवी का इनिशियल स्टेट क्या है, ऑन सॉरी ऑफ, तो ऑफ में क्या कर सकते हो ऑपरेशन, खाली ऑन बटन में प्रेस कर सकता हूं, और कुछ कर सकता हूं नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ऑन, ऑन में मैं क्या कर सकता हूं कि चेंज चैनल, चेंज वॉल्यूम, और मैं यहां से ऑफ बटन भी प्रेस कर सकता हूं, ठीक है। तो आप देखोगे कि स्टेट वाइज ये एक मेरी स्टेट थी, उसमें एक ऑपरेशन है, ये एक स्टेट थी, इसमें अलाउड ऑपरेशन है। तो अगर हमें बोलते हैं कि टीवी डिजाइन करो, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ स्टेट डिजाइन पैटर्न, ठीक है, समझ गए। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है इंटरव्यू में कि ये स्टेट डिजाइन पैटर्न है कि नहीं है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, टीवी, वेंडिंग मशीन्स, ये सब, ठीक है। तो नाउ आई विल स्टिक टू वेंडिंग मशीन ओनली। और अब पहले मैं आपको एक मिनट के अंदर पहले स्टेट डिजाइन पैटर्न के बारे में बताता हूँ, और फिर मैं जंप करूंगा ये UML डायग्राम और एक पूरे कोड के साथ। और ये जो मैंने पूरा कोड है ये आपको पता ही है, GitLab पे लिंक है मेरा LLD लो लेवल डिज़ाइन पैकेज करके, ठीक है। तो और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है GitLab की, तो आप वहाँ से जाके पूरा कोड जो है वो आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टेट डिज़ाइन पैटर्न में आपको बता रहा हूँ कि एक मिनट में स्टेट डिज़ाइन पैटर्न क्या है, फिर उसके बाद अपन उसको स्टेट डिज़ाइन पैटर्न को वेंडिंग मशीन से समझेंगे डिज़ाइन उस पर, ठीक है। स्टेट डिज़ाइन पैटर्न क्या बोलता है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, अगर उस प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टेट है तो मैं यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, ये मैं इंटरफेस है स्टेट करके मैंने एक बनाई। तो अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट की तीन स्टेट हैं, तो यहाँ पे मान के चलिए ये हो गया स्टेट वन, ये हो गया स्टेट टू, और ये हो गया स्टेट थ्री, ठीक है। तो जो मेरा स्टेट इंटरफेस है ये सारे ऑपरेशन डिफाइन करेगा कि इस प्रोडक्ट पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। लेट्स से ऑपरेशन वन, ऑपरेशन टू, सिमिलरली लाइक ऑपरेशन एन, ठीक है। अब मान के चलिए स्टेट वन में ऑपरेशन वन, ऑपरेशन टू, ऑपरेशन एन, तो सारे सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन स्टेट वन हमने यहाँ पे क्या बोला, स्टेट वाइज ऑपरेशन, अगर स्टेट वन को खाली ऑपरेशन वन से मतलब है तो वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा अच्छे से, बाकी सबके लिए वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर या फिर एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। स्टेट टू को अगर ऑपरेशन वन, ऑपरेशन टू, ऑपरेशन एन, और स्टेट टू को अगर ऑपरेशन टू से मतलब है तो खाली इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा और बाकी सब पे वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर या एक्सेप्शन थ्रो करेगा। सिमिलरली ऑपरेशन थ्री या जो भी ऑपरेशन थ्री को मान के चलिए कि इससे मतलब है और ऑपरेशन थ्री से मतलब है, ठीक है, तो वो इसके लिए या तो डिफ़ॉल्ट या फिर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, और लेकिन ऑपरेशन वन और ऑपरेशन थ्री को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। समझ गए कि यहाँ पे स्टेट डिज़ाइन पैटर्न के अंदर हम एक स्टेट को एज ए इंटरफेस लेते हैं, उस इंटरफेस के अंदर सारे ऑपरेशन डिफाइन कर दिए। अब जितने भी कंक्रीट हम क्लासेस लिखेंगे, स्टेट वन, स्टेट टू, स्टेट थ्री, उनको जिस ऑपरेशन से मतलब है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, बाकी सारे मेथड पे वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर एक स्टेट रहेगा इसका अभी कि कौन सा स्टेट चल रहा है, या तो क्या इसका अभी स्टेट वन है तो प्रोडक्ट हैज स्टेट, कि प्रोडक्ट का अभी क्या स्टेट है, प्रोडक्ट का भी स्टेट स्टेट वन है कि स्टेट टू है कि स्टेट थ्री है, क्या स्टेट है। और जितने भी ऑपरेशन है ना इसके अंदर ये प्रोडक्ट का मेरा ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, जितने भी ऑपरेशन है इसके अंदर मेरा प्रोडक्ट का
ऑब्जेक्ट रहता है, क्यों? क्योंकि मान के चलिए मैंने ऑपरेशन वन किया, उसके बाद मुझे प्रोडक्ट का स्टेटस चेंज करना है, तो मैं प्रोडक्ट डॉट स्टेटस को चेंज करके स्टेटस टू कर दूंगा। मान के चलिए स्टेटस टू में मैं ऑपरेशन टू किया और यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने अपना ऑपरेशन करके प्रोडक्ट का स्टेटस को चेंज कर दिया स्टेटस थ्री। ठीक है, तो आपको हाई लेवल समझ आ गया स्टेट डायग्राम, स्टेट डिज़ाइन पैटर्न क्या है। अब मैं आपको इसको वेंडिंग मशीन से समझाता हूँ। अगर आपको अभी समझ भी नहीं आया तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपन वेंडिंग मशीन को कोड से एग्जाम्पल से देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को अपन वेंडिंग मशीन का UML बनाते हैं, UML फॉर वेंडिंग मशीन। तो सबसे पहले मुझे पता है कि मैं ये स्टेट डिज़ाइन पैटर्न का क्वेश्चन है और ये डिफरेंट स्टेट्स हैं और ये सारे ऑपरेशंस हैं, ये सारे ऑपरेशंस हैं, राइट? तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले क्या बोला था अपन ने कि एक इंटरफेस बनाना है, एक इंटरफेस बनाना है, क्या नाम का मैंने नाम दे दिया इसको, लेट्स से स्टेट ओनली। ठीक है, इस स्टेट के अंदर इंटरफेस के, इस इंटरफेस के अंदर कौन कौन से मैंने आप रखे, प्रेस इंसर्ट कैश बटन, तो ये अब ये सारे मैंने वो रख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक मेथड है प्रेस इंसर्ट कैश बटन, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास वेंडिंग ऑब्जेक्ट है, वेंडिंग मशीन इज द ऑब्जेक्ट, वेंडिंग मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे वेंडिंग मशीन करेगा, हर किसी के पास वेंडिंग मशीन का एक ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा ऑपरेशन क्या है, प्रेस हो गया इंसर्ट क्वाइन, इंसर्ट क्वाइन, फिर एक था सेलेक्ट प्रोडक्ट्स, सेलेक्ट प्रोडक्ट बटन, वेंडिंग मशीन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था कि चूज प्रोडक्ट, चूज प्रोडक्ट, इसके बाद भी वेंडिंग मशीन। ठीक है, तो अब समझ गए यहाँ पे मैंने सारे ऑपरेशन डिफाइन कर दिए। तो अब सिमिलरली अब चलो कोड वाइज देखते जाते हैं हम साथ साथ में। तो यहाँ पे मैंने स्टेट लिया, तो ये मेरा स्टेट इंटरफेस हो गया। अब यहाँ पे यहाँ जैसे मैं यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने एक वेंडिंग मशीन के सारे ऑपरेशन डिफाइन कर दिए कि यहाँ पे जो भी अपन ने फाइंड किए थे। ठीक है, क्लिक ऑन इंसर्ट कॉइन बटन, बटन पे क्लिक किया। ठीक है, फिर उसने बटन पे क्लिक करने के बाद वो क्या कर सकता है, मैं इंसर्ट क्वाइन कर सकता हूँ। इंसर्ट क्वाइन करने के बाद क्या कर सकता है कि अब उसको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, तो पहले वो बटन दबाएगा कि मैंने इंसर्ट क्वाइन कर लिया, अब मुझे पैड को एक्टिवेट करो, तो क्लिक ऑन द प्रोडक्ट सेलेक्शन बटन। उसके बाद वो पैड से अपना प्रोडक्ट चूज कर सकता है। ठीक है, अगर मुझे उसको कुछ चेंज करना है तो एक्स्ट्रा पैसे दिए तो मुझे गेट चेंज कर सकता हूँ, और नहीं तो अल्टीमेटली या तो रिफंड कर सकता हूँ या फिर मैं डिस्पेंस प्रोडक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अपडेट इन्वेंटरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आइडल स्टेट में मैंने एक और लिखा था कि आप अपडेट इन्वेंटरी भी कर सकते हो, बट वी कैन लीव इट फॉर नाउ। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि स्टेट के अंदर मैंने क्या किया, सारे ऑपरेशन डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब मैंने वेंडिंग मशीन की कौन कौन सी स्टेट फाइंड की, एक दो तीन चार, चार स्टेट फाइंड की। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी इंटरफेस की चाइल्ड क्लासेस बनानी है। ठीक है, पहला क्या हो गया, आइडल स्टेट, दूसरा क्या हो गया, हैज नॉट हैश, हैज मनी स्टेट, तीसरा क्या हो गया, सेलेक्शन स्टेट, और चौथा क्या हो गया, डिस्पेंस स्टेट। ठीक है, तो चार स्टेट हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि वेंडिंग स्टेट्स के अंदर मैंने स्टेट्स इंटरफेस था, अब इसके मैंने चार इम्प्लीमेंटेशन किए। पहला आइडल स्टेट, राइट? तो आइडल स्टेट के अंदर मैंने बोला इतने सारे ऑपरेशन में से आइडल में से मैं क्या कर सकता हूँ, खाली खाली प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे खाली मैंने प्रेस और या फिर बोल लीजिए क्लिक ऑन इंसर्ट क्वाइन बटन को ही इम्प्लीमेंट किया है, बाकी सब पे मैंने क्या बोल दिया, डिफॉल्ट बिहेवियर या फिर एक्सेप्शन थ्रो। तो मैंने बाकी सारे ऑपरेशन पे एक्सेप्शन 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 और अपडेट इन्वेंट्री लीव इट, आइडल में भी हम इन्वेंट्री अपडेट कर सकते हैं इसलिए मैंने लिखा, बट वी कैन लीव अपडेट इन्वेंट्री फॉर नाउ। तो आप देखोगे कि बाकी सारे ऑपरेशन पे मैंने
एक्सेप्शन थ्रो किया है, बट मैंने बोला है कि आइडल में आप प्रेस इंसर्ट बटन दबा सकते हो, मतलब आप जब आइडल है तो ये इसको दबा के आप अब कैश इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जैसे ही, ठीक है, यहाँ पे इससे पहले ये आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे वेंडिंग स्टेट में मेरे पास क्या है, स्टेट स्टेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आइडल में मैंने कौन सा ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया, इंसर्ट कॉइन बटन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट किया है इंसर्ट कॉइन बटन को, बस। फिर दूसरा स्टेट क्या था, हैश मनी स्टेट, हैश मनी स्टेट। तो हैज मनी स्टेट में कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, इंसर्ट कॉइन, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने इंसर्ट कॉइन को इम्प्लीमेंट किया है, सेलेक्ट प्रोडक्ट बटन, ठीक है। आपने मान के चलिए कॉइन सारे दबा लिए, कॉइन सारे डाल दिए, उसके बाद आप बटन प्रेस कर सकते हो कि मेरे को आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करने दो। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट प्रोडक्ट बटन को इम्प्लीमेंट किया है, कौन सा बटन, ये वाला, ठीक है, कि इसको करने के बाद ये वाला पैड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा ऑपरेशन कर सकते हो, रिफंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिफंड का जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। मैं अभी आपको अच्छे से फ्लो समझाऊंगा कि किस तरीके से वर्क किया, अभी आप UML डायग्राम को समझिए, ठीक है। बस खाली मैंने तीन ऑपरेशन इम्प्लीमेंट कर दिए। उसके बाद मैं आ गया सिलेक्शन स्टेट पे, सिलेक्शन स्टेट पे मैंने क्या क्या कर सकता हूँ, मैं सिलेक्शन करने के पे मैं खाली प्रोडक्ट चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और प्रोडक्ट जो आपने चूज़ किया, अगर उसके आपने पैसे ऑलरेडी ज़्यादा दिए हैं तो मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको रिटर्न करना पड़ेगा चेंज, अदरवाइज मैं पूरा रिफंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब आप कोई और कर सकते हो, इंसर्ट कॉइन वगैरह कर सकते हो सिलेक्शन में, नहीं, सिलेक्शन में आप खाली प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद या तो आपको चेंज मिल जाएगा, तो मैंने गेट चेंज को इम्प्लीमेंट कर दिया, या फिर आप फुल रिफंड ले सकते हो, ठीक है। और लास्ट स्टेज क्या है, डिस्पेंसिंग, ठीक है, लास्ट स्टेज है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग में क्या हो सकता है, डिस्पेंसिंग में ना तो कोई रिफंड होगा ना कुछ होगा, बस एक काम हो सकता है कि प्रोडक्ट डिस्पेंस हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट को डिस्पेंस हो सकता है, ठीक है। आपको समझ आ गया कि ये चारों स्टेट किस तरीके से है, क्या क्या, जो जिस जिसको जोन से ऑपरेशन से मतलब है उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया, बाकी सब पे डिफॉल्ट बिहेवियर या एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, यस, हमें हमारे इसमें एक आइटम है, ठीक है, तो आइटम एक डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, इधर कर लेता हूँ मैं। तो मेरे पास एक है आइटम, मैंने एक आइटम ऑब्जेक्ट बनाया है, आइटम ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक इनम लिया है आइटम टाइप का, तो इसमें आप ले लीजिए जैसे कोक, पेप्सी, जूस या फिर सोडा, या मतलब और भी डाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास एक है आइटम टाइप और इसकी प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक आइटम लिया है, इसमें दो चीज़ें डाली हैं, आइटम टाइप और प्राइस। आइटम टाइप में क्या है, आपके पास वेंडिंग मशीन में कौन कौन से आइटम स्टोर हैं, ठीक है, तो ये एक आइटम हो गया। अब आप देखोगे कि ये जो एक आइटम है, ठीक है, दिस इज़ माई आइटम, दिस इज़ माई आइटम, ये आइटम कहाँ पे पड़ा है, एक आइटम शेल्फ में पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आइटम शेल्फ ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद मैंने एक आइटम शेल्फ बनाया। तो आइटम शेल्फ हैज आइटम, तो इट हैज आइटम। अब ये शेल्फ पे इसके क्या है, इस शेल्फ में इसका कोड है, तो यहाँ पे इसके पास है इसका एक कोड, तो आप बोल लीजिए एक इंटीजर है, कोड नंबर है शेल्फ का, ठीक है। और एक मैंने बूलियन है कि ये सोल्ड आउट है कि नहीं है, ठीक है, तो एक बूलियन मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है कि इस सोल्ड आउट कि अभी ये प्रोडक्ट बिका है कि नहीं बिका है इस शेल्फ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आइटम शेल्फ के अंदर तीन चीज़ें, कोड और जो एक आइटम, और वो अभी बिका है कि नहीं बिका, सोल्ड आउट और नॉट, ठीक है। अब मेरे पास बिल्कुल कितने सारे ऐसे आइटम शेल्फ हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेंडिंग मशीन। तो मैंने यहाँ पे एक इन्वेंट्री ली है जिसमें काइंड ऑफ एरे हो गया, तो यहाँ पे मैंने एक इन्वेंट्री क्लास ली है, इन्वेंट्री,
और यहाँ पे मैंने एक एरे ले लिया किसका, आइटम ऑफ शेल्फ का, तो आइटम शेल्फ का एक एरे हो गया, तो इट हैज आइटम शेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक इन्वेंट्री ली, इन्वेंट्री में मैंने क्या किया, एरे ले लिया आइटम शेल्फ का। ठीक है, ये एरे है, काइंड ऑफ एक तरह से एरे बोल लो, एरे है आइटम शेल्फ का, आइटम शेल्फ के अंदर आइटम पड़ा है। ठीक है, और बस ये हो गया। और मैंने अभी कॉइन के लिए ले लिया कि हाँ भाई, या तो मैं पैनी निकल डाइम क्वार्टर, जो जनरली अपन कॉइन की बात करते हैं वेंडिंग मशीन, तो अपन कॉइन में बात करते हैं, तो उसमें अपन बोल लेते हैं कि हाँ पैनी निकल डाइम क्वार्टर, इस तरीके से मैंने कॉइन्स ले लिए। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे अब देखोगे कि वेंडिंग मशीन के पास इन्वेंट्री है, इसका एक खुद का स्टेट है, एक इन्वेंट्री है, तो वेंडिंग मशीन हैज इन्वेंट्री। ठीक है, और इसके पास एक है लिस्ट ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो कॉइन मैंने आपको बता दिया, इट्स हैज अ लिस्ट ऑफ कॉइन्स। तो ये इसका यूएमएल डायग्राम है। अब अपन एक हैप्पी फ्लो देखते हैं। ये यूएमएल डायग्राम बहुत सिंपल है, राइट? अगर आपको स्टेट डायग्राम आ गया, स्टेट डिजाइन पैटर्न आ गया, जो इतना सा है स्टेट डिजाइन पैटर्न। ठीक है, इसके बाद तो ये तो एक्स्ट्रा थी, इन्वेंट्री मैनेज करना वेंडिंग मशीन की, लेकिन स्टेट डायग्राम आप देखोगे तो इतना सा है। अब अपन एक हैप्पी फ्लो देखते हैं, ठीक है, कोड से। तो अब मैं सबसे जा रहा हूँ पहले मैं अपने मेन मेथड में। ठीक है, तो अब मेन मेथड में देखो सबसे पहले, और सबसे पहले अब आपको चीज़ समझनी क्या है कि स्टेट चेंज कैसे हो रही है। आइडल से मैं इसमें कैसे गया, हाउ, फिर मैं हैज़ मनी से इसमें कैसे गया, फिर मैं सिलेक्शन से डिस्पेंस पे कैसे गया, ये चीज़ अब आपको समझनी है। ठीक है, तो अब इसमें आप सबसे पहले देखो, मैं हूँ मेन मेथड में। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेंडिंग मशीन बनाई। ठीक है, वेंडिंग मशीन मैंने बनाई, तो आप देखोगे वेंडिंग मशीन के अंदर जो वेंडिंग मशीन क्लास थी, ये वाली जो क्लास है, ये वाली, इसके अंदर मैंने कितने 10 की मैंने वो इन्वेंट्री बनाई है। ठीक है, और अभी क्या है, वेंडिंग मशीन की स्टेट आइडल है। अभी क्या है, वेंडिंग मशीन की स्टेट आइडल, तो लेट मी टेक दिस। तो अभी ये है आइडल पे, अभी वेंडिंग मशीन मेन में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा कि फिलिंग अप द इन्वेंट्री, तो मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री को फिलअप कर दिया। ठीक है, इन्वेंट्री को फिलअप कैसे किया, मैंने हार्ड कोडेड कर दिया कि जीरो से, मुझे पता है कि मैं 10 साइज का बना रहा हूँ वेंडिंग मशीन, 0 से 3 पे मैंने कोक रखी है, उसका प्राइस इतना सेट रखा है। ठीक है, 3 से 3 और 4 पे पेप्सी रखी है, फिर इस तरीके से जूस रखा है किसी स्लॉट पे, किसी पे मैंने सोडा रखा है। ठीक है, तो मैंने एक तरीके से इन्वेंट्री फिलअप कर दी अपनी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब मेरे पास क्या हो गया कि एक ये बन गई, मेरे पास इन्वेंट्री फिलअप हो गई। ठीक है, और मेरा अभी कौन से स्टेट पे है वेंडिंग मशीन, आइडल स्टेट पे है। अब मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ, क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट कॉइन बटन। तो मैंने वेंडिंग मशीन पे गया। ठीक है, वेंडिंग मशीन पे अभी आई गॉट द वेंडिंग मशीन स्टेट। तो मैंने आपको बोला था ना कि वेंडिंग मशीन के अंदर उसकी एक स्टेट है। ठीक है, अभी स्टेट या तो आइडल हो सकती है या हैश मनी हो सकता है, कुछ भी एक हो सकता है। और मैंने वेंडिंग मशीन बनाते वक्त बाय डिफॉल्ट स्टेट क्या रखी थी इसकी, आइडल। तो मतलब अभी वेंडिंग मशीन कहाँ पे है, अभी आइडल स्टेट पे है। ठीक है, यहाँ पे आइडल स्टेट पे है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि नाउ क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट कॉइन बटन ऑपरेशन। ठीक है, तो जो भी जिस भी स्टेट पे हूँ मैं, उस स्टेट पे मैं जाके क्लिक कर रहा हूँ इंसर्ट कॉइन बटन। तो मैं अभी आइडल स्टेट पे था, तो आइडल स्टेट पे मैंने क्या बटन क्लिक किया, क्लिक ऑन इंसर्ट कॉइन बटन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये वाला बटन प्रेस किया, प्रेस। ठीक है, और मैं यहाँ पे आइडल स्टेट की क्लास के अंदर इस मेथड को मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया है, मैंने मशीन का, तो मैंने आपको बोला था कि मोस्टली हर मेथड वेंडिंग मशीन का एक ऑब्जेक्ट रखेगा, तो जब भी मुझे स्टेट चेंज करना होगा मैं इसके अंदर से कर दूंगा। तो अब जैसे ही आपने बटन प्रेस किया ये वाला, मैंने मशीन का स्टेट चेंज कर दिया, मशीन डॉट सेट, मशीन का स्टेट क्या कर दिया, हैज़ मनी स्टेट। तो अब मेरा कौन सा वेंडिंग मशीन कौन सी स्टेट में आ गया, इस वाली स्टेट में आ गया। ठीक है, अब इस वाली स्टेट में आ गया, ये इस वाली स्टेट में नहीं है। ठीक है, अब मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ से इस वाली स्टेट में आ गया। ठीक है,
फिर मैं गया मेन पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक कर लिया और मेरा स्टेट चेंज हो गया इंटरनली। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मेरे को पैसे डालने हैं, तो अब मैंने जैसे ही वो इंसर्ट कॉइन बटन पे क्लिक किया था तो अब मैं कॉइन डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने देखो पहले एक निकल डाला, एक क्वार्टर डाला। निकल होता है कितना, 5 5 पैसा, और क्वार्टर है 25 पैसा। तो मैंने कितने डाले, 30, एक तरह से बोलिए 30 रुपये डाले या 30 सेंट डाले जो भी, ठीक है। तो मैंने 30 रुपीज़ डाल दिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने 30 रुपीज़ डाल दिए, तो अब मैं अभी कौन से, जब मैं बोल रहा हूँ इंसर्ट कॉइन, ठीक है, तो मेरे पास जो स्टेट थी, तो अभी सेकंड पोजीशन में कहाँ पे था, हैज़ मनी स्टेट के अंदर था, राइट, हैज़ मनी स्टेट के अंदर था। तो हैज़ मनी स्टेट से मैं अभी इंसर्ट कॉइन डाले, मैंने 2 कॉइन डाल दिए, 5 और 25, 2 कॉइन डाल दिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सेप्टेड द कॉइन मैसेज कराया, और मैं जो मशीन के अंदर मैंने एक कॉइन लिस्ट ली थी ना, उस पर मैंने कॉइन को ऐडअप करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉइन ऐड कर लिए। अब कॉइन ऐड करने के बाद मैंने, मेरे को लगता है कि मैंने सफिशेंट पैसा डाल दिया है, तो मैंने अब बोला कि क्लिक ऑन द प्रोडक्ट सेलेक्शन बटन, कि अब मुझे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, मैंने पैसे डाल चुका हूँ, मैं और पैसे नहीं डाल रहा। तो मैंने बटन क्लिक किया, तो अब ये भी अभी कौन से स्टेट पे था, हैज़ मनी स्टेट पे था। तो यहाँ पे मैंने अब ये वाला मेथड कॉल किया है, इस स्टेट पे रह के ये मेथड कॉल किया है, सेलेक्ट प्रोडक्ट बटन। तो मैंने अभी हैश मनी स्टेट पे था और ये वाला बटन क्लिक किया है। तो इस बटन ने क्या किया, इस बटन ने मेरा स्टेट चेंज कर दिया और मेरे मशीन को कौन से स्टेट में ले आया, सिलेक्शन स्टेट में। तो अब मैं कौन से स्टेट में आ गया, सिलेक्शन स्टेट में, ठीक है। तो सिलेक्शन स्टेट में आ गया मैं अब। तो अब सिलेक्शन स्टेट पे आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने डाला कि 102 कोड, तो मैंने अब यहाँ पे कोड गिवन है, जब मैंने मशीन बनाई थी तो मशीन में मैंने इस तरीके से ही कोड दिए हैं, 101 102 103, ऐसे तरीके से कोड दिए 1010 तक। तो मैंने बोला कि मुझे 102 चाहिए, ठीक है। तो मेरे को कोड डाल दिया कि मेरे को 102, यहाँ पे मैंने कोड डाला कि मुझे 102 कोड चाहिए, ये वाला शेल्फ का आइटम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट चूज हुआ, तो अभी मैं कौन से स्टेट पे आ गया, सिलेक्शन स्टेट पे, थर्ड स्टेट पे आ गया था, राइट। यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, चूज द प्रोडक्ट, मैंने क्या प्रोडक्ट चूज किया, 102 कोड नंबर का। तो अब ये क्या चेक कर रहा है, सबसे पहले कि 102 कोड नंबर पे कौन सा आइटम पड़ा है, ठीक है, वो कितने अमाउंट का है, और टोटल अमाउंट पेड बाय द यूज़र। तो मैंने कॉइन को ऐड करते जा रहा था ना, तो मैंने सारे कॉइन्स की वैल्यू ऐड की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, अगर जो यूज़र ने पे किया है, अगर वो कम है आइटम की प्राइस से, अगर मान के चलिए यूज़र ने खाली 10 रुपये पे किया है और लेकिन आइटम है 20 रुपये का, तो मैंने क्या बोला, इनसफिशियंट अमाउंट है, मैं यहाँ पे क्या कर दिया, रिफंड फुल मनी, ठीक है। अगर इनसफिशियंट है तो मैं यहाँ पे रिफंड फुल मनी कर दूंगा, ठीक है। और रिफंड में मैं क्या करूँगा, मैंने रिफंड कर दिया मनी, और मशीन को कौन से स्टेट में ले आया, आइडल स्टेट में, मतलब अगर इनसफिशियंट फंड है तो मैं यहाँ पे ले आया, इनसफिशियंट है तो मैंने रिफंड कर दिया और आइडल स्टेट पे ले आया। लेकिन अगर इनसफिशियंट नहीं है, अगर मान के चलिए यूज़र ने ज़्यादा पे कर रखा है, अगर ज़्यादा पे कर रखा है तो मुझे उसको चेंज देना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे चेंज मेथड को इम्प्लीमेंट किया कि कितना आपने एक्स्ट्रा दिया है, जो आपने पे किया है, जो आइटम की प्राइस है, जो भी एक्स्ट्रा है वो आप रिटर्न ले लो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि रिटर्न द चेंज इन द कॉइन डिस्पेंस ट्रे, इतना मनी मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे एक और स्टेट है कि रिटर्न द मनी, रिटर्न द चेंज एक्चुअली, तो मैंने रिटर्न भी कर दिया। अगर मान के चलिए मेरे को रिटर्न देना नहीं बनता या फिर दे भी दिया, लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, मशीन की स्टेट चेंज कर दिया कि भाई इस कोड नंबर को डिस्पेंस स्टेट में डाल दिया। तो यहाँ पे अब मैंने नेक्स्ट स्टेट पे चला गया, डिस्पेंस स्टेट, यहाँ पे आ गया अब मैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जब मैंने प्रोडक्ट चूज किया था तो ऑटोमेटिकली इनसाइड मैं हैश मनी में, इसने सिलेक्शन स्टेट में था क्या, प्रोडक्ट चूज, प्रोडक्ट चूज, प्रोडक्ट में इसने बोला कि सब सही है, अमाउंट जो आपने पे किया है वो बिल्कुल बराबर है, अब इसको डिस्पेंस स्टेट में डाल दो, कि अब डिस्पेंस कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट को। अब जैसे ही मैं डिस्पेंस स्टेट में गया, इस वाले स्टेट में आया,
ठीक है, तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्पेंस कर रहा हूँ, और ना तो मैं अब इंसर्ट कर सकता हूँ, ना इंसर्ट क्वाइन कर सकता हूँ, ना रिफंड कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं खाली एक काम कर रहा हूँ, डिस्पेंस द प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्पेंस कर दिया, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को डिस्पेंस कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको सोल्ड आउट अपडेट कर दिया। मतलब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कि ये सोल्ड आउट हो गया, सोल्ड आउट, ठीक है, अपडेट कर दिया उसको। और यहाँ पे मैं कौन सी मशीन को कौन सी स्टेट में ले आया, आइडल स्टेट में, मतलब यहाँ से वापस मैं ले आया आइडल स्टेट पे। तो आप देखो किस तरीके से मैंने सारे यूज़ किए स्टेट्स को, राइट। तो यहाँ पे अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में करंटली वेंडिंग मशीन इज इन कौन सी स्टेट में है, आइडल स्टेट। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, कौन सी स्टेट है, आइडल स्टेट। फिर है फिलिंग अप द इन्वेंट्री, मैंने इन्वेंट्री को फिलअप किया, तो 101 से लेकर 1010 पे मैंने इस तरीके के आइटम स्टोर करवाए हैं। तो अभी 101, 102, 103 पे मैंने कोक डाले हैं, 104, 105 पे पेप्सी, 67 पे जूस, 8, 9, 10 पे सोडा डाले हैं, ठीक है। और सबके कोड नंबर है, सबके प्राइजेज हैं, और वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मतलब ये डिस्प्ले तक हो गया काम। अब मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ, क्लिकिंग ऑन इंसर्ट कॉइन बटन, क्लिकिंग ऑन इंसर्ट कॉइन बटन। जैसे ही मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद मैं कौन सी स्टेट में पहुँच जाऊँगा, तो क्लिकिंग ऑन इंसर्ट कॉइन बटन, जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरी वेंडिंग मशीन कौन से स्टेट में आ गई, हैज़ मनी स्टेट। हैज़ मनी स्टेट में आते ही मैं यहाँ पे कॉइन एक्सेप्ट किया, निकल और क्वार्टर। तो मैं एक्सेप्टेड द कॉइन, एक्सेप्टेड द कॉइन, दो कॉइन एक्सेप्ट कर लिए, 5 और 25 के, मतलब टोटल 30 रुपये हैं। अब मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, प्रोडक्ट सेलेक्शन बटन पे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया प्रोडक्ट सेलेक्शन बटन, तो जैसे ही मैं प्रोडक्ट सेलेक्शन बटन पे करूँगा मेरे वेंडिंग मशीन का स्टेट चेंज हो जाएगा, और कौन से स्टेट पे आ जाएगा, सेलेक्शन स्टेट पे। तो करंटली वेंडिंग मशीन इज इन सेलेक्शन स्टेट, ये बटन दबाने के बाद। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैंने बोला कि मेरे को कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, 102, 102 की प्राइस क्या थी, 102 की प्राइस थी 12 रुपये, और मैंने कितने अमाउंट पे किए थे, 30 रुपये। तो मेरे को कितना रिफंड मिलना चाहिए, 18 रुपये। तो इसने क्या बोला, रिटर्न द चेंज इन द कॉइन डिस्पेंस ट्रे 18। मैंने 18 रुपये डिस्पेंस कर दिए इसने, ठीक है। और ये वेंडिंग मशीन को कौन सी स्टेट में ले गया, डिस्पेंस स्टेट। डिस्पेंस स्टेट में आते ही ना तो कुछ रिफंड होगा, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, बस प्रोडक्ट डिस्पेंस होगा, प्रोडक्ट हैज़ बीन डिस्पेंस। और लास्ट में वापस डिस्पेंस होने के बाद मशीन मेरी कौन सी स्टेट में आ जाएगी, आइडल स्टेट में, आइडल स्टेट, ठीक है। ये पूरा जिस तरीके से चला इसी को मैंने कोड किया है यूजिंग स्टेट डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। स्टेट डिज़ाइन पैटर्न इतना सा ही है कि स्टेट्स का एक इंटरफेस बना लो, उसके सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनको सारे ऑपरेशन लिख दो, और हर एक स्टेट पे खाली वही ऑपरेशन इंप्लीमेंट करो जो आपको चाहिए, और किस ऑपरेशन पे अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का स्टेट को चेंज करते जाओ, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो 102 था ये अभी अवेलेबल फॉल्स हो गया है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज वेंडिंग मशीन का जो है लो लेवल डिजाइन ऑफ वेंडिंग मशीन। तो गाइज आपको अच्छे से समझ आया है, राइट। तो आई होप कि मैं आपको डायग्राम से अच्छे से समझा पाया हूँ कि वेंडिंग मशीन क्यों बहुत अच्छा स्टेट डिज़ाइन पैटर्न है। अगर आप इसको इस पैटर्न से नहीं करोगे, ठीक है, और नॉर्मल जितने अपन ने दूसरे क्वेश्चन किए, राइट, कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, आप इंटरव्यू में फंस जाओगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इंटरव्यूअर चाहता ही यही है कि स्टेट्स चेंज हों, तो वो इंटरनली आपसे इनडायरेक्टली स्टेट डिज़ाइन पैटर्न बोलवाना चाह रहा है कि डू यू नो अबाउट स्टेट डिज़ाइन पैटर्न, कि किस तरीके से स्टेट्स चेंज हो रही है, ठीक है गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिए, कोई हेजिटेशन नहीं है, कि आप लिंक्डइन पे मैसेज कर दीजिए मेरे को, स्लैक पे कर दीजिए। और ये जो कोड है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है गिटलैब का, वहाँ पे सारे LLD के जितने भी क्वेश्चन है वो उनका मैंने सारा कोड है, तो वेंडिंग मशीन का जो कोड है आप एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। और गाइज दैट्स ऑल आई हैव। और जाने से पहले गाइज आई हैव वन मोर रिक्वेस्ट, कि
कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे राइट, तो वीडियो के नीचे जो आप यहाँ पे है जो आप थैंक्स है, आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं या फिर आप ज्वाइन जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, या फिर आप जो है एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो गाइज हेल्प इन दिस। सो दैट्स ऑल गाइज आई हैव। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू पिंग मी ऑन लिंक्डइन, टेलीग्राम या फिर कमेंट में, आई विल बी रिप्लाइंग यू एज सून एज पॉसिबल। राइट, थैंक यू गाइज एंड हैप्पी जन्माष्टमी अगेन, हैव अ गुड डे, बाय।